दोस्तों विशेष का एन एफ के लिए बनाया गया है जो अभी मार्च के महीने में देने वाले प्रैक्टिकल। और आज वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ कि आपके जो प्रैक्टिकल जो आपको शीट मिलती है उसमें आप कैसे अपनी डिटेल वगैरह भर सकते हैं। आप में से कैसे कई विद्यार्थी है जब अपना वो अपना प्रैक्टिकल शीट वगैरह भरते हैं तो उसमें क्या होती है आपकी तरफ से कुछ गलती हो सकती है और ऐसे में देखा जाए उसका देखा परिणाम आपके लिए बहुत बड़ा हो सकता है। इसलिए देखा जाए मैं आज इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ कि आपके जो प्रैक्टिकल होता है प्रैक्टिकल आपके लिए जो शीट वगैरह मिलती है तो उसमें आप कैसे उसमें अपनी डिटेल वगैरह भरे, किन बातों को आपको ध्यान रखना है, किन सावधानियों को बरतना है और आपकी प्रैक्टिकल शीट कैसे क्या होती है। देखा जाए जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपकी प्रैक्टिकल शीट कुछ इस तरह से आती है। तो ज़्यादा नहीं है, लगभग देखा जाए आपकी इसे दो पन्ने यानी कि यहाँ पर देखा चार पेज की शीट है। इस चार पेज शीट में ही आपको देखा जाए अपने प्रैक्टिकल करने होते हैं। तो लगभग आपके जो दो प्रैक्टिकल है जो आपको करने के लिए जाते हैं दो या तीन जो भी होते हैं तो आपको इसी में आपको प्रैक्टिकल करना होता है। अदरवाइज़ आपको अलग से एक्स्ट्रा शीट वगैरह आपको नहीं मिलती है तो आपको इसी में आपको अच्छे से प्रैक्टिकल करना होता है। एक्स्ट्रा शीट आपको शायद ही मिले क्योंकि अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आपको अलग से एक्स्ट्रा शीट वगैरह मिले। तो यहाँ देखा जाए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब अपना जो देखा जाए प्रैक्टिकल शीट होती है इसमें डिटेल वगैरह आप कैसे भर सकते हैं। तो इसको भरने के लिए देखा जाए अब मैं आपको एक जो सैंपल है एक यहाँ पर देखा जाए एक हॉल टिकट है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल तौर पर यहाँ मैं आपके लिए एक हॉल टिकट लेकर आया हूँ यहाँ पर जो कि एक तरह से एक डेमो है, एक तरह का सैंपल है। यहाँ पर एक्चुअल ऐसा है नहीं यहाँ पर, लेकिन इसको दे दे के अब अपना देखा जाए कैसे अपना शीट वगैरह आंसर शीट वगैरह करते कैसे भर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जैसे आपका देखा है यहाँ पर आपका ये प्रैक्टिकल हॉल टिकट है मार्च 2020 का एग्जामिनेशन का अपना ये प्रैक्टिकल हॉल टिकट बनता है जिसमें आपका क्या होता है एक रोल नंबर होता है यहाँ पर आपका, बाकी आपका स्टडी सेंटर नंबर होता है, बाकी सब्जेक्ट कोड और ये भी होता है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखें इसको देख के आपको किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको भरना होता है। तो चलो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ जैसे कि यहाँ पर आपका देखा जाए तो सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए आपको यहाँ पर जो देखा जाए आपको लिखना है यहाँ पर आपको लिखना है अपना यहाँ पर जो एनरोलमेंट नंबर लिखना है। एनरोलमेंट जो कि आपको यहाँ पर लिखा होता है तो आपको लिखना है रोल नंबर एनरोलमेंट आप लिखना है। रेफरेंस नंबर आपको नहीं लिखना, कई बार क्या होता है कि विद्यार्थी जो है अपना एनरोलमेंट जगह अपना रेफरेंस नंबर लिख देते हैं तो जो आपको नहीं लिखना होता आपको लिखना होता है अपना एनरोलमेंट नंबर लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल तौर पर यहाँ पर आपको दे रखा जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 फॉर एग्जाम्पल तौर पर मैंने यहाँ पर आपके लिए मैंने बता दिया कि आपको किस हिसाब से अपना आंसर शीट में आपके यहाँ जो प्रैक्टिकल आंसर शीट है आपको कैसे उसमें भरना है। तो यहाँ पर आपको रोल नंबर आ गया। इसके बाद यहाँ पर देखा जाए आपका जो सब्जेक्ट है आपको यहाँ लिखना होता है तो जिस दिन आपको जो प्रैक्टिकल होता है उस दिन आपको जो आपका जो प्रैक्टिकल बनता है कि आपको उसमें यहाँ पर लिखनी होती है डिटेल लिखनी होती है। फॉर एग्जाम्पल तौर पर यहाँ पर देखा जाए आपका जो प्रैक्टिकल है जैसे फॉर एग्जाम्पल मैथ का प्रैक्टिकल है तो यहाँ पर देखा सब्जेक्ट आपको लिखना है मैथ लिखना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे मैथ लिखेंगे तो मैथमेटिक्स लिखेंगे साथ में ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे इसका कोड तो जो कि मैथमेटिक्स का 10th क्लास में जो कोड होता है वो होता है हमारा पर 211। इसके बाद यहाँ पर देखा जाए सेंटर नंबर लिखना है तो सेंटर नंबर आपको यहाँ पर देखा जाए आपको यहाँ पर एग्जाम सेंटर जो कि बनता है प्रैक्टिकल के लिए आपको यहाँ पर लिखा होता है तो जो भी आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल का आपको एग्जाम सेंटर लिखा होता है आपको यहाँ पर लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 आपका जो नाम है आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है तो यहाँ पर जैसे आपका जो भी नाम लिखना है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिखता हूँ देव इतना लिख दिया, बाकी यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ आपको कुछ नहीं करना है। आपको करना क्या है यहाँ पर आपको लिखना है सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पर आपने सिग्नेचर करनी है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर सिग्नेचर कर देता हूँ, सिग्नेचर कर दिए। सिग्नेचर करने के बाद यहाँ पर देखा जाए हिंदी सिग्नेचर डालनी है, हमें डेट डालनी है तो जिस दिन आपका प्रैक्टिकल होता है आपको उस दिन की डेट वगैरह डालनी है। फॉर एग्जाम्पल तौर पर यहाँ पर ले देता हूँ 25 मार्च 2020। तो ये आपका देखा जाए हमारा हिसाब से बन जाता है हमारा प्रैक्टिकल का बनेगा। बाकी आपका यहाँ पर देखा जाए सीरियल नंबर दे रखा है तो जब यहाँ पर आपका देखा है प्रैक्टिकल में आपका क्या होता है कि एक आपकी आती है अटेंडेंस लिस्ट आती है। अटेंडेंस लिस्ट में आपको जब अपना करते हैं सिग्नेचर वगैरह अपने परसेंट वगैरह आते हैं आपकी जो आप आंसर शीट वगैरह जमा होती है तो वहाँ पर आपको देखा जाए अपना देखा लगानी पड़ती है। यहाँ पर अपना सीरियल नंबर जो आपको दे रखा होता है आपको ये लिखना पड़ता है कि आपके आंसर शीट नंबर क्या है वो लिखना होता है, साथ में परसेंट लगानी होती है, साथ में आपको सिग्नेचर करना होता है। तो इतना ही आपको करना है, ज़्यादा करना नहीं है, इसी में आपको देखा जाए फोकस करना है। बाकी इसी दो पन्नों में आपको अपने प्रैक्टिकल अच्छे से करना है। पेंटिंग का प्रैक्टिकल में अलग चीज़ होती है तो पेंटिंग का जो प्रैक्टिकल होता है उसमें आपके लिए जो है ड्रॉ करने के लिए आपको अलग से शीट जाती है जिसमें आप क्या करेंगे अलग से कहीं भी बीच में कॉमा बनाकर या साइड में अपना कॉमा बनाकर एक कॉलम रखिए ताकि उसके अंदर डिटेल वगैरह आप लिख सकें। बाकी में आप उन्हें ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि अगर आपने पूरे में ड्रॉ कर दिया और जगह ही नहीं है कि अपना नाम लिख सके रोल नंबर सके तो आप इससे में आपकी दिक्कत बढ़ सकती है। इससे जरूरी है कि पहले कॉलम बना के साइड में रख लीजिए जहाँ पे आपका नाम क्लास रोल नंबर वगैरह डिटेल लिखी जा सके, बाकी आप बना सकते हैं। और आपके जैसे 10th क्लास में 12th क्लास में जो आपका प्रैक्टिकल बनता है
तो उसमें शीट ऐसी आती है लगभग, और ऐसी आपका देखा डिटेल वगैरह होती है, तो काफ़ी हद तक ऐसे ही रहता है यहाँ पर, और आपको पूरा ध्यान से करना है। अगर बाई चांस आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप छोड़ दीजिए, गलत करने से अच्छा है कि छोड़ दीजिए। बाकी जो अपने टीचर आएंगे जो चेक करेंगे तो डिटेल वगैरह भरने में आपकी हेल्प कर देंगे, लेकिन आपको गलत नहीं बनना है, क्योंकि गलत करने पर आपको जो दोबारा शीट मिलनी बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्रैक्टिकल की शीट गिनती की आती है, और इसलिए ज़रूरी है कि आप ध्यान से शीट वगैरह भरें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपना आपका यहाँ पर रोल नंबर लिखना, कि आपको रोल नंबर बिल्कुल सही होना चाहिए। तो इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो दोस्तों बाकी यहाँ पर देखा जाए, मैंने यहाँ पर अपने चैनल में जो अपना बनता है अपना शर्मा टेक्निकल सेंटर यूट्यूब चैनल बनता है, तो यहाँ पर पढ़ाई को लेकर मैंने ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट की वीडियो डाल रखी है, तो वहाँ से अपना अभी से आप तैयारी कर सकते हैं। आपका जो 10th क्लास हो, 12th क्लास हो, आपका चाहे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, कोई भी आपका सब्जेक्ट है, ऑलमोस्ट आपके सब्जेक्ट आपको वहाँ से मिल जाते हैं, वहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पढ़ाई का देखा जाए कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई गिनती आपको देखा है 5, 10, 20, 25 क्वेश्चन दे दे, आप उनको तैयारी से आप उनकी तैयारी करके पास हो जाए, ऐसा नहीं होता है। आपको पूरा प्रॉपर अच्छे तरीके से पढ़ना होता है, जिसके लिए देखा जाए आपको अपना हमारे चैनल यूट्यूब पर जो अपना शर्मा टेक्निकल सेंटर यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे आपको पढ़ाई को लेकर वीडियो वगैरह बन जाती है, आप वहाँ से अपनी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।